हो सकता है उसका ट्रक भी उठ जाए, 2 लाख तो छोड़ेगा महीने का। लापरवाही करते हैं, लापरवाही करते हैं। अशोक लेलैंड ज्यादा देती है शायद? नहीं देती है। कि इंसान 2 पैसा कम कमाए लेकिन सुकून का होना, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाएंगे मतलब ये गरीब परिवार था, 5,000-3,000 में करोड़ों छापता होगा, मारता लाठी से वहाँ पे राजस्थान 3 लाख के आसपास पूरा जो धंधा ये हमारा। नहीं तो जैसे अगर मटिया लगाने की वजह भाई उसका कोई उपाय नहीं है क्या? मतलब कि तो सरकार ये अलग से लगवाना ही पड़ता है, अलग से लगवाना। इनके 25,000-30,000 रुपए लग गए हैं, मैंने पूछा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। पहले मैं नाम बता दूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये सत्यनारायण भाई हमारे साथ है, प्रहलाद भाई और सोनू भाई अंदर बैठे हैं। आप भी अंदर बैठ जाइए, मैं अंदर आता हूँ। पहले मैं आपको ट्रक दिखा देता हूँ, टाटा का बिल्कुल ब्रांड न्यू सिग्ना 5530S। पहले भी वीडियो बना चुके हैं लेकिन ड्राइवर एक्सपीरियंस अलग अलग होता है तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। भाई पहले कार ट्रेलर चलाते थे, उसके बाद धीरे से ट्रक लिया, तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा। 5530S क्यूमिन 6.7 लीटर, मतलब ISB क्यूमिन जो आता है 6.7 लीटर, मतलब 6700 cc का इंजन इसमें आता है। और ये 224 किलोवाट की पावर और 1150 Nm का इसमें टॉर्क है। 55,000 kg का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता है, 40 से 42 टन ये पासिंग आता है। और राजस्थान वाले जैसे कि ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्रेलर ही रखते हैं, बड़ा अच्छा बना के रखा है भाई ने। देखेंगे आप ये गार्ड, देखिए आप गार्ड कितना खूबसूरत है। और सिर्फ गार्ड में ही इनके 25,000-30,000 रुपए लग गए हैं, मैंने पूछा था। राधिका लिखा हुआ भाई ने, ये इसकी प्रोफाइल है। कंपनी केबिन है, इससे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता नहीं है। ये चेचिस है इसका और पीछे ये ट्रेलर अलग से आता है। ऊपर भाई ने झाड़ू वाड़ू लगवा के रखी है, पीछे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखे रखी हैं। बता देता हूँ ये 350-400 लीटर के आसपास इसका ये डीजल टैंक है। ये फिल्टर लगा हुआ है, ये एड ब्लू टैंक है, 35-40 लीटर के आसपास आता है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टायर ट्रेलर है भाई ने। ये देखो आप व्हील कवर लगवा के रखे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं ये दोनों। और ये पूरा चेंजिस वाला पोर्शन, यहाँ से घोड़ा टिक जाता है, टूल बॉक्स वगैरह रखा हुआ है। ज़्यादा जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ कि पूरा कवर कर दूँ। ये देखेंगे तो भाई की ये डिज़ाइन है इस तरफ की बहुत अच्छी लग रही है। बादाम शेक, काजू शेक, फालूदा, कुल्फी, आइसक्रीम ऊपर ठेला रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तुलसी तलब ना कीजिए, तुलसी तलब ना कीजिए, रजक मोत हरी हाथ, जो दुश्मन चुगली करे कमल घणी के हाथ। ये मुझे नहीं आया, आपको आया तो आप मुझे बता दीजिए। भाई भाई का प्यार, पीछे माता पिता का आशीर्वाद, बड़ी अच्छी बात है। वाहन से 5 मीटर की दूरी बनाए रखें। और नीचे आप देखेंगे बिल्कुल राजस्थानी टच में, घर कब आओगे, ये सब दे रखा है। और देख राजस्थान की बॉडी वैसे क्या है, इतनी बड़ी खूबसूरत होती है भाई, कुछ भी कहो लोग बना के रखते हैं ट्रक को। भाई का ये पहले वाला ट्रक है, मतलब इससे कमा के शायद ख़रीद के उन्होंने मतलब ये लिया, फिर ये ख़रीदा है। तो ये इस तरफ वाली इसकी प्रोफाइल है। ये एज़ यूजुअल बार बार ट्रेलर दिखाएं, एक ही चीज़ बताएं, कवर लगा रखा है टूल बॉक्स से। और यहाँ पर भाई ने कवर लगा रखे हैं, प्रेशर टैंक, बैटरी, एयर फिल्टर लगे हुए हैं, ये लाइट वगैरह की, प्रेशर की कनेक्टिविटी। अब अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको भाई के ट्रेलर में कि उन्होंने जो है क्या करके रखा है। यहाँ पर गेट खोलेंगे भाई, अच्छा कपड़ा चेंज कर रहे हैं ये चेंज हो गया। देखिए एक चीज़ मैं दिखाऊं, ये पीछे के जो दोनों व्हील ऊपर होते हैं ये भाई ने यहाँ लगवा के रखा है, बटन आता है उसका नहीं आता, ये आता है। हाँ ये है, अच्छा ये है, ये अलग से लगवाना ही पड़ता है, अलग से लगवाना पड़ता है, अच्छा अलग से लगवाना पड़ता है। ये इसका हैंड ब्रेक होगा। और ये भाई हमारे ABC पैडल आप बोलते हो, तो ये देख लो इसके एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, पैडल कुछ ऐसे हैं। ये पटिया लगाने की वजह भाई ये बैलेंस पे रहता है इसलिए बढ़िया। अब मैं उधर से अंदर आ जाता हूँ, ये थोड़ा सा रिस्की वाला मामला है। और भाइयों से मैंने मिलवा ही दिया था पहले ही, मतलब भाई बात नाम हम बता दिए थे। हाँ ये मैं आ जाता हूँ यहाँ से अंदर, इजी है चढ़ना। हाँ ये देखिए अब यहाँ से भाई के ट्रक में चढ़ना थोड़ा ईजी है। वही अंदर आ गए अपन तीनों भाइयों के पास। बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय नहीं करना अभी, तो स्वागत है आप लोगों का, बाय तो आखिरी में करना है। ये पंखा लगा रखा है, पंखा चल रहा है, इसको कर देते हैं बंद। तो ये आप तीनों का खुद का ट्रेलर है भाई? हाँ, एक पीछे में खड़ा, एक ये खड़ा। तो ये पीछे वाला तो पुराना लग रहा है थोड़ा। हाँ, ये पुराना ना। ये नया ट्रेलर है? ये नया। तो ये आप तीनों ने मिलके खरीदा है क्या? नहीं नहीं, दोनों मिल गया। अच्छा आप दोनों ने मिलके खरीदा है, अपना सेकंड ट्रेलर है। अच्छा तो कितने का पड़ता होगा भाई ये नया, मतलब ये खाली 45 का पड़ता? चेचिस चेचिस नहीं नहीं, दोनों मिला के, बॉडी वॉडी सब मिला के। तो बॉडी तो आपने अलग से बनवाई होगी इसकी? अलग से बनवाई। मतलब बॉडी में कितना खर्चा आ गया पूरा? वो आ गया उसमें 9 लाख, पूरा 9 लाख का खर्चा आ गया। तो कितने टाइम से आप ड्राइवर फील्ड में हो, मतलब ये इसमें देख लो 2009 से? 2009 से मतलब 14-15 साल हुए, पर अभी जाके नया ट्रक लिया है। तो इतने टाइम से ड्राइवरी करी आपने? ड्राइवरी कर।
तो भाई मैंने देखा राजस्थान में अक्सर, मतलब मैंने 95% लोग देखे ट्रेलर ही खरीदते हैं, बॉडी नहीं खरीदते, बॉडी ऐसा क्यों? उनका पसंद है ना, धंधा यही हमारा। नहीं तो जैसे अगर मान लो जैसे पासिंग ज्यादा आता है, ये वो पासिंग नहीं आते हैं इतने, तो उसके साथ इसका खर्चा भी तो उतना ही होता होगा ना। खर्चा होता है, जैसा मतलब पहिए का खर्चा और सब चीजों का खर्चा, वो भी उतना ही आता होगा। जोड़ा 50,000 का। अच्छा, इसकी किस्त कितनी बनती होगी भाई? 90,000 इसकी किस्त बनती है। 9 महीने आपने जैसे कि बताया आपके पास हो चुके हैं इसको, 8 से 9 महीने, तो 9 महीने में ऐसा कभी हुआ जेब से किस्त गई? नहीं गया। टोटल कमा के चलिए, कहाँ से कहाँ चलाते हैं आप इसे? छत्तीसगढ़, मोरवी, मतलब राजस्थान से छत्तीसगढ़। तो ये क्या बोलते, टाइल्स भी चलाते हैं आप? टाइल्स भी चलते। अच्छा, वहाँ टाइल्स ज्यादा है इसलिए ट्रेलर काम ज्यादा आता है वहाँ पे। तो जैसे वहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता हुआ छत्तीसगढ़? 1500 किलोमीटर जाना, 1500 किलोमीटर आना। तो यहाँ से आप टाइल्स ले जाते होंगे, तो वहाँ से क्या लाते होंगे? अच्छा, लोहा ले आते राजस्थान के लिए। तो भाई ये ट्रिप कितने दिन में लग जाती है आपकी, एक ट्रिप मतलब आना जाना? 15 दिन 10 दिन में। तो क्या उसमें मतलब यहाँ से जाने का भाड़ा बनता होगा? 1.5 लाख। और वहाँ से आने का? वहाँ से आने का 1.40-1.35। मतलब 3 लाख के आसपास पूरा जो कंप्लीट। इसमें खर्चा काट के कितना आपको बच जाता होगा? 1 लाख रुपया खर्चा काट के, टोल वोल सब निकला। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आप लोग राजस्थान के ही हैं। अच्छा, हाँ, दूसरे जो ड्राइवर लोग हैं, मैं उनसे जब बातचीत करता हूँ तो वो मुझे ये बताते हैं कि यार राजस्थान का आरटीओ बहुत परेशान करता है। बहुत करते हैं। सही में करते हैं? भोपाल वाले ही करता है हमारे। अच्छा, भोपाल वाले ही करता है। लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे राजस्थान में क्या एक जगह जगह रोक लेते हैं, बहुत जगह जगह राजस्थान में बहुत ज्यादा जगह रोक, तो उसका कोई उपाय नहीं है क्या? मतलब तो सरकार करेगा और क्या करेगा, क्योंकि उससे मारता, वो मारता लाठी से वहाँ पे राजस्थान का आरटीओ। बाप रे बाप, क्योंकि ये मान के चलो भाई बहुत सारा फायदा रोक देते हैं वो ड्राइवर भाई लोगों का। कितना कमाता होगा वहाँ का आरटीओ, एक दिन में करोड़ों छापता होगा। बहुत गाड़ी निकलता है, बहुत लूट मार करता ना, है ना राजस्थान का आरटीओ ज्यादा। ये भोपाल वाला ऐसे है, भोपाल वाले भी ऐसे। हाँ, भोपाल में भी ये जो बाईपास आता है शांतिनगर बाईपास जाते हैं, वहाँ पे भी आरटीओ परमानेंट। तो आरटीओ की परेशानी तो आपको झेलनी पड़ती है। अच्छा, जैसे आप लोग 9 साल पहले जब ड्राइवर लाइन में आए भाई लोग, तो मतलब कैसे मन कैसे आया आपका, मन कैसे बना इसमें आने का आपका? क्या करे, नए नए आए थे पहले। हाँ, शौक था, धीरे धीरे। हाँ, शौक पैसा नहीं था पहले, जो मतलब गरीब परिवार था, 5,000-3,000 में काम करते थे गाड़ी पर। अच्छा, तो आप इस लाइन में आ गए। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे मैं ड्राइवर भाई से पूछता हूँ, आप में सब फैमिली वाले हो आप? सब परिवार वाले? सब परिवार। तो लड़का मेरे को, दो लिंक है। अरे वाह, क्या लड़का, अरे क्या बात है, क्या बात। तो आप ऐसा चाहोगे कि आपके परिवार में से भी आगे जाके ट्रक में कोई आए, ट्रक लाइन? नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मत, दिल से बताना है बात। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। लोग पुलिस वाले मार देता हम आए ऐसे, हमारा बच्चा वगैरह नहीं आना चाहिए, बच्चा वगैरह नहीं पढ़ाई कराएंगे, भले खुद का काम हो लेकिन फिर भी नहीं आना चाहिए। नहीं, 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 नहीं। पढ़ाएंगे उसको पढ़ाएंगे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाएंगे मतलब ये है कि जो परेशानी अपन ने देखी है उसको नहीं दिखाना, वो बच्चों लोगों को नहीं दिखाना। कैसा भी करके हम मेहनत करके उनको पढ़ाएंगे, अच्छा उनकी सुरक्षित, मतलब बिल्कुल सही बात है। भले क्या है कि इंसान 2 पैसा कम कमाए लेकिन सुकून का होना चाहिए। अब इसमें देखिए आरटीओ बॉर्डर की परेशानी तो है ही आपको, उसके बाद घंटा का नौकरी है। हाँ, घर कब जा रहे हो कब नहीं जा रहे हो, थोड़ा भरोसा नहीं, वो भी एक वो रहता है ना, क्योंकि घर से भी काफी दूर रहना पड़ता है। और आपने इतनी मेहनत करी, मतलब पहले ट्रक चलाए होंगे सब करे, उसके बाद जाके गाड़ी लिया, मतलब 10-11 साल मेहनत करने, 10 साल क्या, 12-14 साल ही मेहनत करी, उसके बाद जाके गाड़ी लिया। अच्छा, ट्रेलर में जैसे आपने टाटा का ट्रेलर क्यों लिया, जैसे अशोक लीलैंड भारत में? अच्छा, एवरेज नहीं देती। एवरेज तो अशोक लीलैंड ज्यादा देती है शायद। नहीं देती। प्लेट ना गाड़ी नहीं है। हाँ। वैसा है, क्या माइलेज आता है या उसमें, या वो एवरेज भी देगा। हाँ। उनका भी लिस्ट में कीमत नहीं पड़ता ना, इनका लिस्ट करेंगे तो वही। अच्छा, मतलब इसको बेचेंगे तो कीमत भी अच्छा मिलता है, उनकी कीमत अच्छी नहीं मिलती। क्या माइलेज दे रहा है ये ट्रक आपका? अभी 2 के ऊपर दे रहा है, 2.5 का माइलेज दे रहा है। अच्छा, सर्विस वगैरह कंपनी में हो रही होगी इसके? फ्री सर्विस। सर्विस तो मेरे ख्याल से 80,000 या 1 लाख पे कराते होंगे। तो आपके पास जो पीछे जो ट्रेलर रखा हुआ है वो भी 55-30 है? नहीं नहीं, 49-30 है, 2 साल पहले का है। तो उसकी सर्विस में खर्चा कितना आ जाता है एक बार में? अभी भी फ्री है। अभी भी फ्री है वो? अच्छा, मतलब अभी फ्री चल रहा है, गारंटी में। तो उससे कमा के लिया आपने ये? कमा
कमा के लिया। अच्छा वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें जैसे राजस्थान नंबर पे लिया आपने, तो राजस्थान में टैक्स वगैरह का क्या फंड है? एक बार में टैक्स भरा है या हर साल भरते हो आप? हर साल, हर महीने। डाउन ये इसमें नहीं भरेंगे ना, ये 5 साल का हो गया इसमें। 5 साल का नहीं हुआ, 12 महीने का। 12 महीने का। अच्छा 12 महीने का, मतलब हर 12 महीने में टैक्स भरोगे आप। 40,000 का। डाउन पेमेंट कितनी करी थी आपने? हमने नहीं, कोई नहीं। डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं लगी? नहीं। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं भाई, जैसे ट्रक लेने जाओ अपन तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेते हैं वो लोग? डॉक्यूमेंट तो वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइसेंस। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस। तो कुछ वो नहीं मांगते हो, गारंटी वगैरह? गारंटी मांगते ना, इंस्टा मांगते हैं, गारंटर मांगते। गारंटर की लगानी पड़ती है। तो आपने गारंटर लगाया हुआ? तो गारंटर जैसे गाड़ी है ना। अच्छा, गाड़ी गारंटर में लगा दी थी आपने, वो गाड़ी भी फाइनेंस उठाई होगी, लेकिन जब वो नहीं उठाई होगी आपने, उसका उसका गारंटर लगा था, उसका दूसरा गारंटर लगा था। अच्छा, ऐसे गारंटर लगाना पड़ेगा है? अच्छा एक भाई साहब, जैसे आप लोग तो ट्रेलर की जॉब, खुद का ट्रेलर है आपका, उससे बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें ट्रेलर चलाना आता है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, तो वो कुछ आइडिया बता सकते हैं आप, कैसे मिल सकती है उन लोगों को? वो तो फिर गाड़ी का उनको आना पड़ेगा, वो लोग लापरवाही करते हैं। लापरवाही करते हैं, इसीलिए नहीं मिलती। अच्छा, तो उनको क्या गाड़ी पे आना पड़ेगा फिर मिलेगी? दुख देखना पड़ता ऐसा रात बरात ऐसा। अच्छा मतलब पहले मतलब गाड़ी पे घूमो आप 1-2 साल, सब देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद मतलब अपन सोचे कि अपने को गाड़ी चलाना आती है डायरेक्ट नौकरी मिल जाती, ऐसा नहीं होता। ऐसा खाने के लिए कुछ पाना पड़ता है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, मेहनत करनी पड़ती है कुछ। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, छोड़ो उनको। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली लाइन है। तो मतलब आप ट्रेलर लाइन में थोड़ा सा कमाई जो बाकी बॉडी ट्रक आते हैं उनसे ज्यादा है ट्रेलर में कमाई, क्योंकि भाड़ा ज्यादा मिल जाता है इसमें। लेकिन भाई फिर इसमें खर्चा भी तो आपका उतना ही आता होगा। जैसे मान लो टायर इसमें 22 है, तो 22 टायर एक साथ ही चेंज कराते हो आप? ये नहीं, नहीं, अलग 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 होते हैं। एक जोड़ा कितने का पड़ता है आपको? ये 50,000 का। 50,000 का जोड़ा पड़ जाता है, 50 का पड़ता है एक जोड़ा। तो अलग अलग करके चेंज कराते रहते हो आप, जैसे वो लिफ्ट जो टायर उड़ जाते हैं उनका खर्चा आपका बच जाता होगा, क्योंकि वो आरटीओ आरटीओ तब दिखता है तभी नीचे करते हैं उसे, है ना। लेकिन जब लोड ले जाते हो आप, टायर्स भरते हो, तो अच्छा खासा लोड है इसमें, तो फिर तो टायर तो खाती होगी। साल भर में टायर तो बदलना पड़ते होंगे? एक साल में पूरा टायर चेंज करना पड़ता है। तो एक साल में टायर टायर का खर्चा जोड़ लो तो 22 टायर हो रहा है आपके, 50,000 का जोड़ा है तो 6-7 लाख का तो टायर ही टायर पड़ गया, शायद 10 के आसपास। हाँ 10 लाख का। तो ये है कि भाई अगर कमाई है तो फिर उतना खर्चा भी है मेंटेन करना। तो एक अंदाजा अपन देखें तो कमाई करके फिर टायर इसका खर्चा क्या आता होगा महीने का? कमाई क्या बचती होगी और खर्चा क्या होता होगा ट्रक का? एक आपने जैसे तजुर्बे के हिसाब से बताइए आपके। मतलब खर्चा किस तीस निकाल के 30-35 हज़ार बढ़ जाता है सब भी निकाल के बाद। अच्छा, सब आपकी भी पेमेंट निकाल लो और सब बचाने के बाद। हाँ ऐसा। अच्छा, तो 20-35 हज़ार बच जाता है चक्कर का, कहने मतलब। अच्छा चक्कर का बच जाता है, 2 चक्कर लग गए तो 60-70 हज़ार बच जाए। और जब ये किस्त पूरी खत्म हो जाएगी तो आराम से 1-2 लाख ही छोड़ेगा महीने के? नहीं, 60-70 छोड़ेगा महीने का। नहीं, जब आपकी किस्त पूरी खत्म हो जाएगी, जैसे किस्त आपने पूरी भरा गई, ट्रक आपका फ्री हो गया, तब तो आराम से 1-2 लाख तो छोड़ेगा महीने का। जितना भाड़ा लगेगा उतना ही भाड़ा रहेगा। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कोई भी नया इंसान जाके उठा सकता है ट्रेलर कि नहीं? नया पर नहीं देंगे ना, उनका भी गारंटर चाहिए ना। अच्छा, उनका भी गारंटर चाहिए। आप ट्रांसपोर्ट से चलाते हो ट्रक? ट्रांसपोर्ट से जैसे पहचान कैसे करते हैं, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट से जाके बात कर लो? चला हेल्परी करते करते पहचान हो जाता हमारे। अच्छा, सबसे ऐसे बढ़ते जाते ना, ऐसे करके आप काम कर रहे हैं। पहचान हो तो आपको मैं लेके गया हूँ, ऐसे पहचान हो जाती है ना। अच्छा, ऐसे धीरे धीरे पहचान बना के ट्रांसपोर्टर से फिर लाइन करके आप चलाने लगे, और ये है कि आपको तजुर्बा है इसलिए आपके जेब से पैसा नहीं लग रहा है। नया इंसान उठा लेगा तो वो फंस जाएगा, तो फिर जेब से भी पैसा हो सकता है उसका ट्रक भी उठ जाए, पैसा भी चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। तो ये थी हमारे भाई लोगों के साथ छोटी मोटी बातचीत, हमारे राजस्थान के भाई लोग हैं ये। तो और बाकी मैं दिखा दूं आपको थोड़ा बहुत, जैसे अगर आपको पहले से दिखा दिया मैंने स्टीयरिंग, ये मॉडिफाई करवाया क्या आपने? नहीं, कंपनी से ऐसा स्टीयरिंग आता है, ये इसका मीटर आता है, यहाँ पे इसके कुछ कंट्रोल दे रखे हैं, एसी मिल जाता है भाई ने इसमें अंदर, ये लगवा के रखे हैं, सरस्वती माता लगवा के रखी है, यहाँ पे स्टोरेज मिल, अरे यार जगह तो बहुत है यहाँ पे, ये स्टोरेज मिल जाता है, और इसका ये सनशेड है, इसके बड़े बड़े स्पीकर कंपनी से दिए हैं इसमें, और ये डैशबोर्ड है, एसी लगा हुआ है। पर थोड़ी सी मुझे एक ही चीज इसमें थोड़ा ये लगता है कि बाकी ट्रक में ये बाहर निकला नहीं रहता, इसमें ये बहुत बाहर निकाल के दे दिया, थोड़ी जगह कम हो जाती है।
हाँ शो तो है लेकिन एसी की वजह से दिया है, एसी की वजह से दिया है। इसमें ऊपर भी आपने थोड़ा जगह बना रखी है, खाना वाना तो यही बनाते होंगे आप? नहीं पीछे गाड़ी, गाड़ी में पीछे मतलब खुद ही बनाते हो? चलो बढ़िया, चलिए ठीक है फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, कभी मुलाकात हुई तो फिर मिलेंगे आपसे। गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।